आँखों की कमजोरी, शरीर का दुबलापन और याददाश्त की कमी को दूर करने के लिए आप खसखस यानी कि पोस्ता दाने का कैसे इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद होगा। जी हाँ, आज इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। खसखस या पास्ता के दाने सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। आयुर्वेद में खसखस के बीजों का बहुत महत्व बताया गया है। खसखस को शारीरिक कमजोरी और वीर्य की दुर्बलता को दूर करने में फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा आँखों की कमजोरी, याददाश्त की कमी, नींद की समस्या, इन सभी में भी खसखस को आयुर्वेद में सबसे उत्तम औषधि के रूप में माना गया है। भारतीय घरों में खसखस का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जाता रहा है। सब्जी की ग्रेवी बनानी हो या गर्भवती महिला के सेवन के लिए लड्डू बनाना हो, हर जगह पोस्ता के दानों का प्रयोग किया जाता रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि खसखस से स्वादिष्ट हलवा भी बनाया जा सकता है? जी हाँ, जो कि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खास बात यह है कि रोजाना सिर्फ 2 से 3 चम्मच खसखस का हलवा खा करके भी आपको ढेर सारे लाभ मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनाएंगे ये हलवा और आपको लाभ करेगा कैसे आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए ये। जी हाँ, सबसे पहले तो ये आँखों की कमजोरी और सिर दर्द की समस्या से आपको निजात दिलाएगा। अगर किसी व्यक्ति की आँखें कमजोर हो गई हैं या अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है तो उसे रोजाना 2 से 3 चम्मच खसखस का हलवा खाना चाहिए। कई बार कमजोर आँखों के कारण भी सिर दर्द की समस्या हो सकती है। खसखस के सेवन से आँखों की रोशनी तेज होती है और आँखें बुढ़ापे तक स्वस्थ रहती हैं। छात्रों को यह हलवा रोजाना खाना चाहिए। शारीरिक कमजोरी और दुबलेपन को दूर करने के लिए भी खसखस का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। अगर आप दुबले पतले हैं और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना खसखस का हलवा खाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। खसखस का सेवन करने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और दुबले बच्चों को बचपन से ही खसखस का हलवा खिलाने से जल्द ही उनका रुका हुआ शारीरिक विकास तेज हो जाता है। इससे उनका शरीर और लंबाई दोनों अच्छी तरह से विकसित होता है, जिसकी वजह से वो लंबे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा दिमाग की कमजोरी और याददाश्त मजबूत होती है, यानी कि दिमाग की कमजोरी दूर होती है, याददाश्त मजबूत होती है। खसखस का हलवा दिमाग की कमजोरी को दूर करता है। अगर आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई है और अक्सर सिर दर्द की समस्या रहती है आपको, तो रोजाना खसखस का हलवा बना करके खाइए। खसखस बुद्धि की क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए स्कूली छात्रों को खसखस का हलवा खिलाना चाहिए ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा हो सके। इसके अलावा वीर्य की पुष्टि के लिए, जी हाँ, वीर्य पुष्टक करके फर्टिलिटी को ये बढ़ाता है। जी हाँ, पुरुषों में होने वाले यौन कमजोरी को दूर करने में खसखस काफ़ी अच्छी औषधि के रूप में कार्य करता है। इसके सेवन से वीर्य का पतलापन दूर होता है और वीर्य पुष्ट होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में बताया गया है कि महिलाओं में बांझपन की समस्या है तो उसको दूर करने में भी खसखस बहुत फायदेमंद है। दरअसल खसखस का सेवन करने से फैलोपियन ट्यूब में जमा म्यूकस हट जाता है, जिससे गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके सेवन से यौन क्षमता बेहतर होती है। तो कैसे बनाएंगे इस खास हलवे को? जी हाँ, आवश्यक सामग्री नोट कीजिए। 2 चम्मच खसखस लीजिए, इसके बाद 4 से 5 बादाम लीजिए, 4 से 5 काजू लीजिए, 8 से 10 किशमिश के दाने लीजिए, थोड़ा सा सूखा नारियल लीजिए, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच देसी घी ले लीजिए, 2 इलायची ले लीजिए। अब कैसे बनाएंगे इसे ये जानिए, क्योंकि ये औषधि है, इसको इसी मात्रा में बनाइएगा, अपने टेस्ट का ख्याल न रखिएगा। वैसे ही ये टेस्टी होती है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ना बढ़ाइएगा, औषधि के रूप में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। खसखस का स्वादिष्ट हलवा बनाने के लिए रात में ही 1 कटोरी में खसखस, काजू, बादाम, किशमिश, सूखे नारियल को पानी में भिंगो करके रख दीजिए अच्छे से। सुबह उठ करके इन भींगे हुए मेवों और खसखस को मिला करके या ग्राइंड करके पीस लीजिए। इस पेस्ट में 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच देसी घी मिला करके सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले इसका सेवन कीजिए। इसे कच्चा खाना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। ध्यान रखें, इसको पकाना नहीं है आपको। अगर आप रोजाना एक ही तरह से खा करके उब गए हैं तो कभी कभार टेस्ट बदलने के लिए इसे फ्राई भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कच्चा खाने से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है।
मगर आप फ्राई करते एक बात का ध्यान रखें कि आँच बहुत कम हो। कम आँच पर बनाएंगे तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अन्यथा इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे। फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन में एक चम्मच देसी घी डाल सकते हैं और दो छोटी इलायची का तड़का भी डाल सकते हैं लगा करके। इसके अलावा कुछ न डालें। पीसे गए पेस्ट को इसमें डाल दें और एक चम्मच चीनी डाल लें। इसके बाद इसको 1 से 2 मिनट तक मध्यम आँच पर भूनें ताकि आपको एक टेस्ट आने लग जाए बस इसके लिए। इसके बाद इसका सेवन करें, अन्यथा कच्चा सेवन करें आपके लिए सबसे बेस्ट है औषधि के रूप में। तो ये आज की औषधि रही आप सभी के लिए, जो कि खसखस से बनी हुई औषधि है, बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए, आपकी याददाश्त मजबूत करने, शारीरिक मजबूती के लिए, आँखों की रोशनी के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए ये खास औषधि है। इसका प्रयोग सभी को करना चाहिए। यह आज की वीडियो रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियोज आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। विदा लेते हैं।